व्हाट्सअप गाइस, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो जो भी भाई इस वाले वीडियो को ना शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा, वो भी लाइटरूम ऐप का यूज करके कुछ इसी टाइप की कमाल की फोटो को एडिट कर लेगा। और मैं 110% लिख के देता हूँ कि आप ऐसा फोटो वीडियो के एंड में एडिट कर ही लेंगे। तो आप लोग वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग को अपनी गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेके और इसकी जो है शेयर के आइकन पर क्लिक करके और इस फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर दीजिएगा। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहाँ पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। जैसे ही आप लोग लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से ऑल फोटोज के आइकन पर क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा। तो गाइस, इसी फोटो को हम लोग एडिट करेंगे और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताएगा। और वीडियो के एंड में ना जस्ट वन क्लिक में कैसे आप फोटो को एडिट करेंगे ये भी आपका भाई बताने वाला है। तो वीडियो को कम्प्लीट आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले वाले स्टेप में आप लोग को सामने एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे आप लोग एक बार ऐसे टैप कीजिएगा। टैप कर लेने के बाद इसके अंदर भी आप लोग के सामने बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और आपका भाई एक एक स्टेप बहुत ही सिंपल तरीके से बताएगा। तो वीडियो को कंप्लीट आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले वाले स्टेप के अंदर इसकी लाइट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और इसकी जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना, कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके माइनस साइड में 20% कर लेंगे। देन यहाँ से इसकी हाईलाइट की वैल्यू जो होता है ना, इसे हम लोग पूरा डिक्रीज करके माइनस साइड में 100% कर देंगे। देन इसके बाद इसके नीचे एक शैडो मिलेगा, तो शैडो के भी वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करके प्लस साइड में 20% करेंगे। वाइट्स की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके माइनस साइड में 20% कर देंगे। और इसकी जो ब्लैक्स वाला वैल्यू है ना, इसे हम लोग डिक्रीज करके माइनस साइड में 38% कर देंगे। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग आप लोग जैसे ही कीजिएगा तो आप लोग का पहला स्टेप कम्प्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान था हम लोग का पहला स्टेप, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेप को अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं तो आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो सिंपल से दूसरे स्टेप के अंदर कलर्स के आइकन पर क्लिक करेंगे। कर लेने के बाद सबसे पहले इसकी टिंट का जो वैल्यू है इसे डिक्रीज करके माइनस साइड में 12% कीजिएगा। और इसकी टेम्प की वैल्यू भी इंक्रीज करके माइनस साइड में 12% करके वाइब्रेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करके इसे भी प्लस साइड में 12% कर लीजिएगा। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को ऊपर साइड में कोने में ना मिक्स टूल के आइकन पे एक बार ऐसे क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने अगेन बहुत सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ब्लू कलर को लेके इसकी सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100, इक्वा ब्लू कलर को लेंगे, इसकी भी सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100, और ग्रीन कलर को लेंगे, इसकी भी ह्यू की वैल्यू डिक्रीज करके -100, और सेचुएशन की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा। देन गाइज, इतना सारा काम कर लेने के बाद आप लोग को यहाँ से येलो कलर को लेके और इसकी जो ह्यू की वैल्यू इसे पूरा डिक्रीज करके -100 कीजिएगा। सिचुएशन को भी ऐसे कम करके माइनस साइड में 68% करके और ऑरेंज कलर को लीजिएगा, जो कि हम लोग का फेस वाला कलर होता है, और इसकी सिचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके माइनस साइड में 11% करके लुमिनस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 13% करके यहाँ से आप लोग पर्पल कलर को लेके इसकी सिचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 करके और सिंपल से आप लोग ऊपर साइड में डन वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। कर लेने के बाद आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। ग्रेडिंग के आइकन पे एक बारी टैप करके हाईलाइट वाले सेक्शन में आके अपने फिंगर से पकड़ के थोड़ा सा घसीट के ब्लू साइड में कर दीजिएगा, जिसकी ह्यू की वैल्यू यहाँ पे 225 तक है, सिचुएशन को 39% और ऊपर आप लोग डन क्लिक कर दीजिएगा। कर लेने के बाद गाइस, आप लोग का दूसरा वाला स्टेप भी कम्प्लीट हो जाएगा। और तीसरे वाले स्टेप के बिना आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे, तो तीसरे स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो सिंपल से उसके लिए साइड में स्क्रॉल करके नीचे आके डिटेल्स की आइकन पे टैप करके शार्पन में आके शार्पन अमाउंट को हम लोग इंक्रीज करके प्लस साइड में 25% करेंगे, मास्किंग की वैल्यू 28% करेंगे और इसके बगल में नॉइज में हम लोग आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद इसकी नॉइस रिडक्शन की वैल्यू प्लस साइड में 25% कीजिएगा और इसके बगल में एक कलर नॉइस का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे आके इसकी कलर नॉइस रिडक्शन की वैल्यू प्लस साइड में 21% करके स्मूथनेस को 100% कर दीजिएगा। देन दोस्तों, ये सेटिंग कर लेने के बाद आप लोग का तीसरा वाला स्टेप भी कम्प्लीट हो जाएगा। और बहुत ही आसान तरीका आपका भाई बता रहा है, तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। और आपका भाई अभी वन क्लिक में भी फोटो को एडिट करना बताएगा। तो सिंपल से आप लोग को यहाँ पे कलर को ऐड करने के लिए स्काई में क्या करना होगा, साइड में मास्किंग के आइकन पे टैप करना होगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करके ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आके कलर रेंज के आइकन पे एक बारी टैप कर लीजिएगा। कलर पिकर का एक ऑप्शन मिलेगा, इसे स्काई में रखिएगा, अप्लाई के आइकन पे टैप कीजिएगा, कलर्स के आइकन पे क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे आके कलर एज का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसे पकड़ के आप जो भी कलर स्काई में डालना चाहते हैं यहाँ से इजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला बेटर लग रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल के और राइट क्लिक कर दूंगा। कर लेने के बाद सिंपल से अगेन आप लोग को एडिट में जाना होगा।
इफेक्ट में जाना होगा और यहाँ पे जो है ना विगनेट में आके इसकी अमाउंट को आप लोग को ऐसे कम करके -38 करके और सिंपल से यहाँ से बैक हो जाइएगा और होने के बाद अल्ट वाला की पूरी फोटो एडिट होके आ जाएगी, जो देखने में काफी ओसम एंड फारसी दिख रही है। और मैंने इस वाला फोटो का जो प्रीसेट होता है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से प्रीसेट को डाउनलोड करके जस्ट 1 क्लिक में आप फोटो को एडिट कर सकते हैं। और इस फोटो को सेव करने के लिए शेयर के आइकन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा।